चुटिया रखते हैं नेक पे पीछे, वी शेप करवा देते हैं, दैट इज आउट ऑफ ट्रेंड गाइस, इनको बंद कर दीजिए। साइड से ज्यादा ऊपर तक बालों को ट्रिम नहीं करवाना, दैट लुक्स लाइक हेलमेट। बस दिस इज शुभम नेगी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कौन सा हेयर स्टाइल कौन सा फेस शेप पे शूट करेगा, तो चलते हैं वीडियो के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज मैं एक ऐसा हेयर स्टाइल भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में जो हर फेस शेप पे शूट करेगा। सबसे पहले जानना जरूरी है दोस्तों कितने टाइप के फेस कट होते हैं। बेसिकली देयर आर 6 to 7 टाइप ऑफ फेस शेप, स्क्वायर, ओबलोंग, रेक्टेंगल, डायमंड, राउंड एंड ट्राइंगल। दोस्तों ये फेस शेप होते हैं, सबसे पहले जानना जरूरी है क्यों क्यों अपने फेस शेप को पहचानना है। आपको अपना फेस शेप पता होगा तो 50 से 100 रुपये में एक अच्छा हेयर स्टाइल रख सकते हैं, जिससे आपके एक्सपेंस भी ज़्यादा नहीं होंगे और एक डिजायरेबल रिजल्ट भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको अपना बियर्ड स्टाइल भी समझ आ जाएगा, आपको कौन सा बियर्ड स्टाइल रखना है, और ग्लासेस तो ईजिली पता लग जाएंगे कौन से ग्लासेस रखने हैं फेस शेप के हिसाब से। कैसे पहचाने अपने फेस शेप को, टू आइडेंटिफाई योर फेस शेप, अगर एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो यह ऐप डाउनलोड कीजिए, अगर iOS फ़ोन यूज़ करते हैं तो यह ऐप डाउनलोड कीजिए। अपने फ़ोन के कैमरे को बोलिए, एक फिट दूर रखिए अपने फेस से, स्ट्रेट, नो रिएक्शन, नो स्माइल एंड योर फेस शेप इज रेडी। फेस शेप जान लिया है, अब जानना जरूरी है कौन सा हेयर स्टाइल रखना है। गूगल करें अपना, जैसे सपोज आपका ओवल फेस शेप है तो वहां लिखिए हेयर स्टाइल फॉर ओवल फेस शेप, अगर स्क्वायर फेस शेप के लिए भी यही लिखें। अगर थोड़ा सा कैजुअल लुक चाहिए तो कैजुअल लुक लिखते हैं आगे, कैजुअल लुक फॉर ओवल फेस शेप, या कोई फॉर्मल है तो फॉर्मल लिख सकते हैं। इस टाइप से अपना फेस शेप को जान सकते हैं। बालों में थिनिंग है तो थिनिंग भी ऐड कर सकते हैं, आपको वो सारे हेयर स्टाइल मिल जाएंगे जो आपको चाहिए, वहाँ से आप अपना डिजायरेबल हेयर स्टाइल आसानी से चुन सकते हैं। कुछ ऐसे हैक्स बताऊंगा दोस्तों जिनको आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत जगह नोटिस की है मैंने। तो सबसे पहला हैक है चुटिया रखते हैं पीछे, नेक के पीछे चुटिया रखते हैं, वी शेप बना के रखते हैं। दोस्तों इस चीज़ से बचिए यार, ये आउट ऑफ फैशन है, ये ट्रेंड चला गया है, बिल्कुल बेकार लगता है, प्रेजेंटेबल नहीं है, इस चीज़ से बचिए। दूसरा हैक है दोस्तों नेक के पीछे कट लगवा देते हैं कानों के बिल्कुल बगल से, ये बिल्कुल अंकलिश लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो इसके बदले करना क्या है, गो फॉर फेड्स, कट नहीं लगवाना बिल्कुल, नीचे तक ट्रिम करवाइए, वो बहुत ज़्यादा सूटेबल लगेगा आपको। अगली हैक है दोस्तों से बहुत ज़्यादा ट्रिम करवा देते हैं, बहुत ऊपर तक ट्रिम करवा देते हैं, दैट लुक्स लाइक हेलमेट, हेलमेट के जैसे लगता है, ऐसा लगता है घोंसला होगा कुछ, पेड़ चिड़िया का घोंसला होगा, तो उस चीज़ से बचिए दोस्तों। ज़्यादा ऊपर तक ट्रिम नहीं करवाना, ट्रिम करवाना भी है तो एक प्रॉपर वे में कराना है, जिसे डिस्टेक कट बोलते हैं, प्रॉपर फेड बोलते हैं, वो करवाइए। ऐसे नहीं, बहुत सारे बंदे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं ऊपर तक ट्रिम करवा दूंगा ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा कूल लगूंगा, कूल नहीं लगोगे दोस्तों, आप बिल्कुल खजूर के जैसे लगोगे, तो इस चीज़ से बचिए। बहुत सारे दोस्तों के फ्रंट से हेयर आते हैं, इस पार्ट से हेयर आते हैं, एक्सेसिव हेयर आते हैं, तो उसको उसमें शेव नहीं करवाना, ट्रिम नहीं करवाना, गो फॉर थ्रेडिंग। थ्रेडिंग से होता क्या है कि एक तो बाल लेट आएंगे और बालों की ग्रोथ रूट से कम हो जाती है, तो इस चीज़ का फ़ायदा है। अगर ट्रिम और शेव कराओगे तो बाल 3 से 4 दिन बाद दोबारा से आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा डिसगस्टिंग लगेंगे, जो बिल्कुल शूट नहीं करेंगे, बिल्कुल आगे से ऐसा लगेगा कुछ निकल रहा है, आपका हेयर लाइन भी अच्छा नहीं दिखेगा, दैट इज़ नॉट प्रेजेंटेबल। कभी कभी भी बार बार के पास जाते हो हेयर कट ले करवाने के लिए, तो शैम्पू वगैरह के जाइए या फिर वहाँ शैम्पू करवा दीजिए। अगर शैम्पू नहीं करवाओगे तो बाल प्रॉपर कटेंगे नहीं। एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, अपने सलून को बार बार चेंज मत करिए, एक ही सलून के पास जाइए, उसको अच्छे से समझाइए, चाहे 5 से 10 मिनट लग जाए समझाने पे, वो आपको डिजायरेबल हेयर कट दे पाएगा। क्योंकि अगर बार बार सलून चेंज करेंगे तो आपके बालों के टेक्सचर को समझने में दिक्कत होगी, आपके बालों के हेयर स्टाइल को समझने में दिक्कत होगी, आपके बालों को समझने में दिक्कत होगी कैसे टेक्सचर है आपके बालों का। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी आपका हेयर कट पूरा हो जाता है तो एक बार बाल को सेट करके जरूर देखिए, उससे आपको पता लग जाएगा कोई बाल छोटा बड़ा तो नहीं है, आपका कट कितना प्रॉपर है। मैंने बोला था वीडियो में एक ऐसा हेयर स्टाइल बताऊंगा जो सारे फेस के साथ जाता है, चाहे ओवल हो, स्क्वायर हो, ओबलोंग हो, राउंड हो, कोई भी ऐसा फेस कट हो, सबके साथ जाता है ये स्टाइल, ये है पोम्पडोर। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब आपके बाल होते हैं ऊपर के, इसमें वॉल्यूम होता है और साइड में साइड के हेयर थोड़े से ट्रिम होते हैं, एक प्रॉपर फेड होता है, ये बहुत ज़्यादा क्लासी लगता है, वेरी वेरी एलिगेंट लगता है और सारे फेस कट के साथ एक प्रॉपर मैच आता है। दोस्तों अगर वीडियो सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।